यस, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंह कोचिंग क्लासेस, रिगार्ड्स फ्रॉम सिंह कोचिंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रेविटेशनल सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो, बिकॉज आई हैव अपलोडेड द ग्रेविटेशनल फर्स्ट पार्ट प्रीवियस। आई विल शेयर यू लिंक अकॉर्डिंग इन दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। सो ग्रेविटेशन साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फॉर SSC बोर्ड के हिसाब से, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा महाराष्ट्र SSC बोर्ड के। तो अभी तक हमने जो ग्रेविटेशन में कैपिलर्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल्स लॉ, ये सारे चीज़ हमने देख लिए थे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्थस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अभी देखिए अर्थ है, मैंने ये सब डिस्कस किया था कि अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी के वजह से हमारी जितने जो प्लैनेट्स है, कोई यहाँ तक कि वास्तव में जो अर्थ है, अर्थ भी उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पूरी की पूरी यूनिवर्स में टिका हुआ है, पूरी की पूरी यूनिवर्स में सिचुएटेड है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न रहे तो आपको एज्यूम करो क्या से क्या हो जाएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर खत्म हो जाए तो पूरी यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगी इच अदर में, मतलब एक दूसरे में पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी में जो एक वेदर होती है जहाँ पे हम ऑक्सीजन की लेते हैं, तो ड्यू टू द ओनली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेज इन द वेदर, ये सारी चीज़ें जो है सब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो डिपेंड करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ की ग्रेविटी होती है अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड के हिसाब से, अल्टीट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड एंड अल्टीट्यूड के हिसाब से अर्थ की ग्रेविटी चेंज होते जाती है। लेकिन वो मास एक डिफिनिट पॉइंट जब एक्सलरेशन के जब हिसाब से आएगा तो एक पॉइंट पे ऑफ अर्थ का वो ग्रेविटी सेम होती है। ये सब सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो राइट नाउ गोइंग टू, मैं सब लिख के रखा है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है यही इसमें दिखा है। ग्रेविटी इज द फोर्स, क्या है ग्रेविटी, क्या है ग्रेविटी, इज द अनसीन फोर्स, मीन्स एक फोर्स है दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट इन ऑर्बिट। देखिए मैंने कैसे क्या बोला कि सारे ऑर्बिट सारे प्लैनेट एक दूसरे में कोलैप्स हो जाएंगे, तो ग्रेविटी वही करता है, एक ऐसा वो फोर्स है जो हर एक प्लैनेट को अपने उस ऑर्बिट में अपने उस एक्सिस में रिवॉल्विंग करने के लिए और वो सिचुएटेड होने के लिए वो बाध्य कर सकता है। आप बोल सकते हैं कि मतलब वो डिवोटेड है, उसी की वजह से ही वो सारे ऑर्बिट अराउंड द सन और वो चारों तरफ चक्कर मारते हैं। जस्ट टेक एक एग्जाम्पल, इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लूँगा आपको, कि कभी आपने सोचा है क्या सेब ऊपर से नीचे आ जाता है लेकिन चांद क्यों नहीं आ जाता, क्वेश्चन है। चाहे हमने जो कोई सैटेलाइट या कुछ ऑर्बिट यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं आर्टिफिशियल, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है। तो बस मैंने क्या बोला, ये इस पर ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, अराउंड द सन प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव्स अराउंड द सन, जब तक चक्कर है तब तक वो एक सर्टिकुलर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अराइव हुआ जो हम लोगों ने पूरे केपलर्स लॉ लग में पढ़े थे। तो उसी के हिसाब से वो एक्सिस में रिवॉल्विंग हो रहा है, मतलब वो घूम रहा है, वेलोसिटी है वो, तो वो अपनी ऑर्बिट में स्थित है। जैसे ही वेलोसिटी अगर खत्म होगा फॉलन डाउन ऑन द अर्थ, तो एप्पल में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, वो ऊपर से निकला डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आया, एक ही वेलोसिटी बोलो चाहे एक ही फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ और अर्थ की तरफ टुवर्ड्स हो गया, आ गया नीचे। लेकिन मून में क्या है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ और ये क्या करता है अर्थ की चारों तरफ ऑन इट्स एक्सिस में वो घूमता है, राइट। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, वो अपनी ही एक्सिस पे वो सन घूमता है। तो मतलब जितने जो प्लैनेट्स हैं इन द यूनिवर्स, यहाँ तक कि जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, दे हैव ऑल्सो सम फोर्स, तो सब एक दूसरे के फोर्स में है, सो दे आर नॉट फॉलन डाउन ऑन द टुवर्ड्स द अर्थ, दिस इज द रीजन, ठीक। द अर्थ इज ग्रेविटी कम्स फ्रॉम ऑल इट्स मास, मास क्या है, मास हमने बताया था पीछे, मास एक ऐसा होता है कि इसको हम बोल सकते हैं वेट भी बोल सकते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी उसको पूरी डिपेंड होता है उसकी मास पे। एक एग्जांपल, अगर चींटी को हम चार ताले बिल्डिंग से नीचे गिराए तो नहीं मरता है, मस्ती से वो निकल के चला जाता है, लेकिन अगर एक आदमी को चार ताले बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाए तो मर जाएगा, वो क्यों, ओनली ड्यू टू द इस मास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास के हिसाब से उसको अपनी अट्रैक्ट करता है और चोट लगती है। चींटी की मास बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से
पृथ्वी तो अट्रैक्ट करेगा उसको अपने, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो मिनिमम होगा, सो इट नॉट फुल एनी हार्म. सेम चीज द सिचुएटेड, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह पे है, लेकिन मैंने क्या बोला, हर जगह पे एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होता है. वो हमने न्यूटन्स लॉ के यूनिवर्स में भी पढ़ा था, केपलर्स लॉ में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी सेम चीज़ दोहराया गया है. नीचे अर्थ ग्रेविटेशनल रिलेशन, ये एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, ये हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल को तो देख लिया, अर्थ का जो है तो अर्थ में ग्रेविटेशन के वजह से एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिख के रखा है, एक्सेलरेशन इज नथिंग, ओनली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए गिवन टाइम, एक डिफिनिट टाइम टेकन में उसकी वेलोसिटी को कौन कौन से चेंजेज होते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मिनट, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ा, फिर गिवन टाइम, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है एट द गिवन टाइम. तो अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर निगेटिव होता है तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक अलग चीज़ है, मैं उसको बाद में बताऊँगा. तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी और टाइम. ये मैं आपको इसलिए बताया कि अभी जो हम न्यूमेरिकल इसमें दिखाएंगे, एक फॉर्मूला है उसको प्रूफ करना है, तो उसमें एक्सेलरेशन की यूज है. ठीक है, अब राइट नाउ इट इज, अब ये देखिए फ्री फॉल, अर्थ की ग्रेविटी से क्या एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स वेयर देयर इज नो एयर, वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो एकदम फ्रीली एकदम गिरता चला आ रहा है. ठीक है, वैक्यूम विदाउट एनी ड्रैग, मतलब विदाउट एनी ड्रैग, बिना रुके, बिना उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन दिए, वो कंटिन्यूस फॉलोइंग हो रही है एकदम बिंदास. इट इज जिनो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, अभी अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हमने, आप लोगों ने शायद ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा शायद, ये मुझे पता याद नहीं अभी. क्वांटिटी आर द दो होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर, सदृश और अदृश. ठीक है, तो इसमें एक गिवन है, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत ही अलग तरीके का चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल डिप में नहीं जाऊँगा. तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मेजर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. राइट, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आगे लिख दूंगा. एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने पहले ही बोला था, डिफरेंट पॉइंट ऑफ द अर्थ में अर्थ सरफेस द फ्री फॉल एक्सेलरेशन रेंज फ्रॉम अलग अलग होता है. तो जो हम लोगों ने निकाला है एक फॉर्मूले में अभी निकालेंगे, तो जब फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है तो उसका एक रेंज होता है हर एक जगह के लिए, स्टार्ट फ्रॉम 9.76 मीटर पर स्क्वायर टू 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मैंने यहाँ पे ये रहा 9.76 मीटर पर स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अलग अलग डिपेंड करता है. तो कहाँ कहाँ पे कैसे हो रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो अब हम ग्रेविटेशन के जो कुछ लॉ ये प्रूफन किया हुआ है उसकी वैल्यू उसको हम देखते हैं. अगर प्रूफ डेट है, हम लिखे एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे एम वन और एम टू क्या है, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एम वन एंड एम टू आर मास ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर इज द डिस्टेंस एंड जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ. दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ रेंजेज फ्रॉम 9.77 टू 9.8 का है. तो यहाँ पे एवरेज हमने 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ. एंड द एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, द अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू जी. तो वेयर जी इज द फोर्स, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, एम इज इक्वल टू मास एंड एफ इज इक्वल टू फोर्स. तो एफ इज, यहाँ पे देखिए, जब हम अगर कुछ अगर वर्किंग में जब हम जाते हैं ना, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए भी होता है. कहीं कहीं हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है,
तो कब होता है, जब हम वर्क कोई करते हैं तब उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाइड होता है और उससे कौन सा एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो ये फॉर्मूला आता है। लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल ऑफ द ग्रेविटी इन द वैक्यूम है, तो ए के जगह पे यहाँ पे हमने इस एक्सेलरेशन के जगह पे हमने जी यूज किया, तो जी इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन के हम रूप में यूज करते थे, फ्री फॉल एक्सेलरेशन बिकॉज इन द वैक्यूम में आ रहा है। तो एम मास और एफ इज इक्वल टू फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ सर्फेस इज मल्टीपुल ऑफ मास एंड ग्रेविटी, राइट? यस, तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, अभी जी मीन्स हमारा ग्रेविटेशन जो है, मैंने बताया ना कि अर्थ की जो सरफेस है उस अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की वेरिएशन अलग अलग सरफेस पे अलग अलग जगह पे, मतलब अगर हाइट इंक्रीज होता है, डेप्थ इंक्रीज होता है और उस सरफेस पे ग्रेविटी की वेरिएशन अलग अलग है, तो राइट। अब इसमें हम देखते हैं क्या रिलेशन है इन तीनों में, तो चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस सरफेस ऑफ द अर्थ में आप क्या समझते हैं कि हमारे अर्थ की जो सरफेस है सब जगह पर ग्रेविटी सेम नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है पूरी की पूरी गोल इट इज इन द ओवल शेप, तो सो इक्वेटर जहाँ जहाँ पे और रेडियस, पोल, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, ये सारे मैटर करते हैं हमारी ग्रेविटी को डिसाइड करने के लिए। तो लेट्स सी, वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन अर्थ सरफेस तो डिफरेंट प्लेस, जैसा मैंने बताया बिकॉज रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है रेडियस लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे हमने देखिए आपके लिए एक छोटा सा बनाया, ये इक्वेटर है तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है बहुत ही लार्ज हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, सीधा सी बात है इक्वेटर है तो रेडियस बड़ा होगा। हमने एक सर्कल भी अगर लेते हैं तो वहाँ पे जो बीच की होते हैं वहाँ पे रेडियस क्या होता है बड़ा होता है, जैसे ऊपर जाते हैं वो रेडियस हमारा छोटा होते जाता है, नीचे आते हैं रेडियस हमारा छोटा होता है, तथा रेडियस इज लार्जेस्ट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल, मीन्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे छोटा हो जाएगा, ये सर्कल ही है तो यहाँ पे छोटा छोटा अपना होता जाएगा, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमने बताया था वो डिसाइडेड है एट द पोल एंड डिक्रीजेज, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पोल पे है, मींस जहाँ पे हमारा इक्वेटर जो है स्मॉलेस्ट एट द पोल के पास, ठीक है, एंड डिक्रीजेज स्लोली, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डिक्रीज स्लोली विथ डिक्रीजिंग लेटिट्यूड, और लेटिट्यूड जैसे जैसे घटता है ये इसकी वैल्यू घटते जाती है और बिकम्स एट कहाँ तक आता है हमारा, ये हमारा आता है 9.73 समथिंग कुछ करके है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक ये हमारा आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा इस पे पोल पे, मींस क्या है पोल के पास से हम जैसे जैसे अलग आएंगे डिक्रीजिंग होते जाएगा लैटिट्यूड, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें डिक्रीजेज होते जाता है। अब ये चेंज भी हाइट एंड चेंज भी डेप्थ, सो एकदम बहुत ही टेक्निकल चीज़ है ये, हाइट में वी गेन हाइट देन द वैल्यू ऑफ जी फॉल्स विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे ही हम ऊंचा जाते हैं हमारी हाइट में जो ऊंचाई पे गए हमारी ग्रेविटी फॉल हो जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, तो चेंज इन द ग्रेविटी, ठीक है, चेंज G1 हमारा G1 यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेविटी का वन, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे ग्रेविटी है ऑन द सरफेस विद हाइट एंड रेडियस, तो यहाँ पे वही दिखा रहा है ग्रेविटी जो एक्सेलरेटेड ग्रेविटी और ये ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट में जो हमारे जा रहे हो और हाइट और रेडियस, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट से दिखाया है जब हाइट इंक्रीज होगी ग्रेविटी फॉल होगा नंबर वन, और उसी तरीके से अब डेप्थ में आते हैं। डेप्थ का मतलब क्या होता है, वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, जब हम सरफेस से नीचे जाते हैं मीन्स माइनस में जाते हैं तो उसको हम डेप्थ में बोलते हैं। अगर हम इसको हाइट के टर्म में लेंगे तो हाइट यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज अगर होता है, ठीक है, हाइट डिक्रीज होता है तो ग्रेविटी क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं लिखा था कि आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगी, डेप्थ की बात चल रही थी, डेप्थ ही लेंगे, डेप्थ मीन्स नीचे जाते हैं जैसे, तो जैसे डेप्थ इंक्रीज बिलो द अर्थ सरफेस एट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स, तो जैसे ही इंक्रीज होगा डेप्थ इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी हमारा क्या होता है फॉल्स हो जाता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला है G2, G1 इज इक्वल टू हाइट के लिए, G2 इज इक्वल टू डेप्थ के लिए, और ये हमारा हाइट और रेडियस है। ये फॉर्मूला बुक्स में नहीं दिया, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिए थे। तो यहाँ पे क्या है डेप्थ इंक्रीजेज ग्रेविटी फॉल्स सेकेंड पोर्शन, तो हमने यही देखा कि जैसे ही हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी फॉल्स होती है, डेप्थ पे जाते हैं डेप्थ इंक्रीज होता है ग्रेविटी हमारी
फॉल्स हो जाती है, तो सरफेस पे हमारा अलग अलग सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है ओनली ड्यू टू द लॉ, ये हमारा इक्वेटर पोल और हमारा जो लैटिट्यूड है वो सरफेस हो गया। सरफेस की बात कर रहे हैं, पोल इक्वेटर और लैटिट्यूड, तो हमारा वहाँ पे वेरिएशन आया। हाइट के ऊपर गए ग्रेविटी में वेरिएशन, डेप्थ में गए ग्रेविटी में वेरिएशन, लेकिन हम कहीं भी जाएं ग्रेविटी मस्ट बी रैंगिंग बिटवीन 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच में ही रहता है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू मास, राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मास एंड वेट। व्हाट इज मास एंड वेट? मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कॉन्टेंस। मीन्स मास क्या है? कुछ एक ऐसा अमाउंट जो उसको कॉन्टेंस करे, जो रखे, जैसे टेबल 50 केजी ऑफ पोटैटो, चाहे कोई भी चीज़ का जो एक मास हो, जहाँ पे सोफा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कंटेंस रखने के बाद वो जगह ऑक्यूपाई करे, दिस इज नोन एज द मास का हो जाएगा। राइट, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड मास इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज हैविंग नो एनी डायरेक्शंस, हैविंग नो एनी फोर्स, तो इज ए मास इज द स्केलर क्वांटिटी। राइट, द वेट क्या है? वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। हमने क्या बात किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने देखा था ना कि अर्थ जो है अपनी से टुवार्ड्स अट्रैक्ट करता है किसको, जिस हिसाब से उसकी मास होती है उसी के हिसाब से वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होता है और अट्रैक्ट टुवार्ड्स द अर्थ। राइट, तो वेट ही वही है जो जिस फोर्स से अर्थ जो है अपनी ऑब्जेक्ट को अपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करता है, डेट इज नोन एज द वेट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, डिनोटेड बाई एन। ठीक है, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज द फोर्स एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज को यहाँ पे प्रूफ करूँ आपको, एक फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, तो अगर मैं डब्ल्यू को निकालना है मुझे, अगर वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए मुझे मास और ग्रेविटी दोनों की प्रोडक्ट चाहिए, तो W इक्वल टू मास इंटू जी कर किया यहाँ पे मास एंड ग्रेविटी। तो हमने क्या देखा था, फोर्स क्या है, फोर्स भी वही है मास, और यहाँ पे मैं जी के है, तो यहाँ पे जब आप वर्किंग में जाएंगे ना तो F इक्वल टू एम इंटू ए भी होता है, तो A इक्वल टू एक्सलरेशन, लेकिन यहाँ पे जी यूज किया जा रहा है क्योंकि बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन में हम जा रहे हैं, अभी ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो सो F इक्वल टू एम इंटू जी किया, तो सेकेंड इक्वेशन। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये F और ये W दोनों बराबर हो गए, क्योंकि W इक्वल टू भी वेट इक्वल टू ऑल्सो मास इंटू ग्रेविटी, फोर्स इक्वल टू ऑल्सो मास इंटू ग्रेविटी, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीन्स वेट इक्वल टू फोर्स। राइट, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से हम वेट इक्वल टू फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे कोई भी इसका 50, लेट द वेट ऑफ ए इक्वल टू 50 kg। ठीक है, वो वेट है वो 50 kg, मीन्स मास हो गया उसका। देन फोर्स, उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाइड होगा, तो यहाँ पे एम हो गया। एम मैंने क्यों लिया, क्योंकि वेट है 50 kg है, मीन्स वो वेट जो है 50 kg, इट कॉन्टेंस मास, वो रिफ्लेक्ट करता है मास को, तो m इक्वल टू 50 kg। हम ऐसा जानते हैं g का वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि निकाला हुआ है, तो g इक्वल टू 9 मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे f इक्वल टू, तो ये हमारा 490 आने वाला है, बराबर। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूले से हम देख रहे हैं ना, w इक्वल टू f, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, w इक्वल टू f फ्रॉम फॉर्मूला 3, तो वेट हो गया हमारा 490। राइट, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी वेट होती है और वो कौन सी एक्सेलरेशन वगैरह के हिसाब से वहाँ पे आते हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्री फॉल। मैंने आपको बताया था ना कि फ्री फॉल के बारे में जानेंगे, लेकिन एक चीज़ है, हमें बताइए, सबसे पहले फ्री फॉल में जाने से पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, चाहे एक नॉलेज। मून की ग्रेविटी 1.6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ होता है, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी जितनी रहेगी ना, उससे 1.6 टाइम्स कम होता है मून की ग्रेविटी में। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक जंप लूँगा तो मून पे हम 6 jump हो जाएंगे हमारे, उतना ही फोर्स अप्लाइड में। अगर यहाँ का 1 kg सामान में अगर ऊपर मून पे ले जाऊँगा, तो 1 kg घट करके 1/6 kg के समथिंग हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 kg है, दिस इज फॉर योर नॉलेज, प्लीज रिप्लाई इट। और राइट नाउ फ्री फॉल, फ्री फॉल मीन्स फॉलिंग अंदर देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, देयर इज नो एनी फ्लोटेशन फोर्स, देयर इज नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स, कोई फोर्स नहीं हो, तो मीन्स द प्रोडक्ट चाहे द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंदर द फ्री फॉल। ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट अंदर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होता है, उसका होल एंड सोल मतलब वो पूर्ण रूप से ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में होती है, ग्रेविटी की वो कब्जे में होता है और उसी ग्रेविटी की वजह से वो फ्री फॉल होकर गिरता है। ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ओनली द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज सेड स्टेट ऑफ फ्री फॉल, और वो जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगता है उसको हम फ्री फॉल, स्टेट ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, फ्री फॉल एक ही जगह पे संभव है, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, और इसके अलावा फ्री फॉल कहीं भी पॉसिबल नहीं है। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स द रेट, फ्री फॉल में जो होता है ना, जब ऑब्जेक्ट होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके हिसाब से वो एक्सेलरेट होते हैं, उसके हिसाब से डाउनवर्ड की तरफ वो आते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, और वो केवल वैक्यूम में ही, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। फॉर फ्री फॉल क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, फ्री फॉल का वैक्यूम में ही होता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी आपको एक यहाँ पे दिया, अगर मैं अंदर द ग्रेविटेशनल, जहाँ से ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी चालू होती है, अगर वहाँ पे चाहे अभी भी इसी पे मैं एक फीदर पंख और एक स्टोन, अगर दोनों को अगर हम ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है, स्टोन और फीदर दोनों पृथ्वी के ऊपर अर्थ के पास एक ही टाइम में रिच नहीं होते हैं। रीजन क्या है, रीजन उनके पास वो होते हैं कि वो फीदर के ऊपर फ्लोटिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं, स्टोन के ऊपर भी सेम अप्लाइड होता है, लेकिन फीदर हल्का होने की वजह से उसके पास फ्लोटिंग फोर्स ज़्यादा लगते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो धीरे धीरे आता है उड़ते हुए, और पत्थर जो है उसके पास फ्लोटिंग फोर्स कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्ट होता है, वो जल्दी से जल्दी नीचे को आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूफ किया है कि अगर सेम पत्थर और वो फीदर को हम वैक्यूम में ले जा कर के छोड़ते हैं तो वो दोनों सेम टाइम में रिच होते हैं अर्थ के पास, वो सेम टाइम में वो रिच हो जाते हैं एट द सेम अर्थ के पास एट द सेम टाइम, अगर वैक्यूम, इन वैक्यूम सिचुएशन में छोड़ते हैं मतलब फ्री फॉल कंडीशन होता है, तो उसमें फीदर का भी और स्टोन का भी मतलब मैटर, वो वेट डज नॉट मैटर, ओनली मैटर करता है कि हमारा जो पाथ है फ्री फॉल होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर कोई भी चीज़ फ्री फॉल में फॉलिंग होता है तो जैसे ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में प्रारंभिक वेग, ठीक है, पर ये फर्स्ट वेलोसिटी ये जीरो, यहाँ से छोड़ेंगे तो फ्री फॉल में एकदम आराम से 9.8 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट होता जाएगा डाउनवर्ड्स की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे क्या माना है, एक्सेलरेशन बी कंसीडर एट जी, बिकॉज दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, फ्री फॉल इन्फ्लुएंस अंडर द ग्रेविटी, सो ए इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग, फॉर कैलकुलेटिंग द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड्स ऑब्जेक्ट हो अगर ऊपर से आता है तो हमें पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब मैं बियॉन्ड एक्सेलरेशन काम करता हूँ मतलब अगर कोई मैं पत्थर लेकर के नीचे से मारूँ बियॉन्ड एक्सेलरेशन तो हमारा वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव में आता है। ठीक है, और एक लेवल पे जा करके वो जीरो हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वी नहीं यू इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पे क्या होता है यू मतलब अंतिम वेग, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी में जिस हिसाब से उसको फेंकता हूँ वो हमारा होता है, तो ये मैटर यहाँ पे नहीं डिस्कस करने का, ये अलग चीज़ है। राइट, तो अभी हम यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तो ये तीन इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस, एंड एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी के रिलेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी एंड टाइम, ये हमारे तीन का रिलेशंस है जो कि फ्री फॉल में है। अब ये इक्वेशंस को आपके टेक्स्ट बुक में प्रूफ नहीं किया गया है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रूफ करके आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन बस जो भी कोई न्यूमेरिकल आएंगे ये सेम पे आएंगे। यहाँ पे वी क्या हो गया हमारा,
वी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जी ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन, उसमें टाइम ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे वी स्क्वायर मीन्स वहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहेगी उसके स्क्वायर, और ग्रेविटेशन और एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, और ये हाफ जी टी मीन्स ग्रेविटेशनल 9.8 टाइम दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मैं न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में एक आपको ट्राई करूँगा कि दे दूँ। तो अभी मैं एक बस कंक्लूड करता हूँ आपको इस रिलेशन पे, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, जी इज द कांस्टेंट। यहाँ पे हमने आपको बताया था जी क्या है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज टू कांस्टेंट, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। द वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे टाई अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट का है, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का है, और जी हमारा तीनों में क्या है, कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। वी राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे एक ही चीज देखो, एस्केप, व्हाट डू मीन बाय एस्केप, एक लेयर, मान लो कि दिस इज द लेयर एंड फोर्स एट, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो वो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इस लेयर को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद वो ऊपर को जाए जहाँ पे नल में हो गया, और पूरी की पूरी वेलोसिटी इसकी जो लास्ट वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जहाँ पे जीरो हो जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मीन्स देयर स्पीड तो रहे लेकिन वो नल में आ जाए। दिस देखो, इट इज द स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट नीड टू ट्रेवल टू ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री मीन्स जहाँ पे फ्रिक्शनल लेस, जैसे हमने क्या बोला था, फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग, तो वहाँ पे ब्रेक फ्री जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक फ्रिक्शनल लेस, मतलब आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द फ्रॉम द अर्थ, तभी वो फ्रिक्शन लेस होगा ना दोस्त। देखो अगर वो ग्रेविटी के अंदर है तो कभी भी तो फ्रिक्शन लेस हो ही नहीं सकता है, ट्रेवल ब्रेक फ्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा और अट्रैक डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ। लेकिन एस्केप वेलोसिटी जब होगा तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करके हम ऊपर जाएंगे, तो हम ये ब्रेक फ्री हो जाएंगे। दूसरा है, इट इज रेफर्ड द मिनिमम वेलोसिटी दैट रिक्वायर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा कि मैंने बोला, कोई भी चीज हम एक ग्रेविटेशन में है तब तक वो क्या है, बंधा हुआ है, तो एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए लास्ट में, एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी हमको चूज करना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ब्रेक करे और उसकी ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एस्केप वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दूसरा इसको और हमें इनिशियल स्टेज में क्या बोल सकते हैं, हायर द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी इनिशियल, यस, तो हायर द इनिशियल वेलोसिटी मींस अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर जितनी हाई रहेगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, जितनी हाई रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, हायर हायर हायर, उतनी लार्जर द हाइट, मतलब जितने जोर से हम नीचे से पत्थर को फेंकेंगे ऊपर वो उतनी ऊंचाई को जाएगा। टेस्ट द एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी जितनी फटाक से निकला उतना ही हायर जाएगा, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग जो हम करते हैं, तो रॉकेट लॉन्चिंग के समय आप देखते हो, चाहे जो भी हम ये ऑर्बिट में सैटेलाइट वगैरह जो हम भेजते हैं, तो उसमें देखिए नीचे की जो फोर्स में, जैसे ही काउंटिंग 1 2 3 होकर के जब वो फोर्स से निकलता है, तो एक बहुत ही भारी मात्रा में इनर्जी और वेलोसिटी वहाँ पे जंप मारता है और ऊपर की हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको अर्थ की जो ग्रेविटेशनल लेयर है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जा करके फ्री में जाना है, और वो ब्रेक फ्री वेलोसिटी में आएगा, तो जितनी हायर वेलोसिटी रहेगी इनिशियल उतनी वो हाइट पर जाएगा। दूसरा लास्ट में एक मैंने एग्जांपल आपको सब पॉइंट वाइज करके दिया है, एस्केप वेलोसिटी द स्पीड, एस्केप वेलोसिटी क्या है, एक ऐसा स्पीड है विच द सम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे सैटेलाइट हो, कोई भी चीज हो, प्लेनेट, ये अपना रॉकेट लॉन्चिंग, कुछ भी कहे ऑब्जेक्ट, विच काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी दोनों इज जीरो। ग्रेविटेशनल एनर्जी ऊपर गया, ब्रेक किया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो हो गया, ये लेयर के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मींस जिस स्पीड से मैंने यहाँ से लॉन्च किया, तो यहाँ पे आकर के ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस लेवल पे भी आकर के जीरो हो गया, तो मीन्स के ई ऑल्सो जीरो, और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो भी हमारा जीरो होगा, तब जा करके ये हमारा एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे आता है। इसकी एक फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको लिखूंगा।
तो अब हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी की प्री डिफिनेशन देख लिया था, अब हम इसके एक फॉर्मूला आपको देते हैं जिसके ऊपर सारी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो कैन बी सॉल्व बाय दिस एग्जांपल्स। ये फॉर्मूला में क्या है, एस्केप वेलोसिटी कंप्राइज ऑफ ए कॉन्स्टेंट जी, ठीक है, उससे हम कंप्राइज करके कंपेयर करके ना जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं इसलिए मैं यहाँ पे जी क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में एस्केप कर रहे हैं, वहां उस वेलोसिटी की मैं हम लोग करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर / kg स्क्वायर। ये हमारा इसकी कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल सॉरी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की ये वैल्यू है। द यूनिट ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ये हमने यहाँ पे यूनिट भी दे दिया। अब उसकी एक फॉर्मूला है ये, अब फॉर्मूला में क्या है देखिए, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ ए प्लैनेट ऑन मून, एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशनल 2 × ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ द प्लैनेट ऑन मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑन मून। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मीन्स जी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मीन्स हमारा ये जी, और एम, एम क्या है, एम इज द मास ऑफ प्लैनेट ऑन मून अपॉन आर, आर इज क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑन मून। तो ये हमने दिया, तो इसका रूट अंदर 2gm 2 × ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट × मास डिवाइडेड बाई रेडियस, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला हो गया। तो इसके ऊपर हमने जितने भी जो एग्जांपल्स होंगे और ये सब न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने पूरी ग्रेविटेशनल की अपनी सेकेंड वीडियो भी हमने कंप्लीट किया, इसमें हमने सब चीज़ देने की कोशिश किया है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, केपलर्स लॉ, अभी एस्केप वेलोसिटी पढ़ा हम लोगों ने, फ्री फॉलिंग, देन आफ्टर कुछ ऐसे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे हाइट पे क्या है, डेप्थ में क्या है, डिफरेंट सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमने देखा कि यहाँ पे कैसे राइज होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है और हमने देखा है। अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड क्यूरीज हो चाहे कुछ हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में आराम से डालो, आई विल रिप्लाई यू एंड गिव यू द सफिशियंट आंसर और प्रॉपर आंसर। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, रिगार्ड्स फ्रॉम सिंह कोचिंग क्लासेस, प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई वीडियो। अब नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू द अनदर चैप्टर फॉर दिस 10th क्लास सीरीज साइंस के लिए, मैं अगला चैप्टर आपको देने वाला हूँ द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।